प्रॉब्लम सेकंड क्वेश्चन जो है सेकंड, इसमें जो है क्या पूछा गया है, इसमें भी सरफेस एरिया पूछा गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, बट वहां पर आर गिविन था, यहां पर डायमीटर व्यास गिविन है। ठीक है, तो ये जो दे रखा है हमारे पास, ये क्या दे रखे हैं, ये दे रखा है व्यास डायमीटर, बट हमें जो सरफेस एरिया के लिए जरूरत पड़ती है गोले की, तो क्या पड़ती है, रेडियस की, त्रिज्या की, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है किसका, सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4πr2। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, πr2। तो यहां से हम आर जब निकालेंगे फर्स्ट के लिए आर कितना हो जाएगा, 14/2, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4πr2, 4 22/7, 7 × 7। ठीक है, तो इसका जो आएगा क्षेत्रफल आ जाएगा, ये 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 22 × 7, इसका जो आंसर आएगा किसमें आएगा, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो मुझे जो है कमेंट करके जरूर बताएं कितना आंसर आया, सॉल्व करें इसको। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में जो आर बन जाएगा कितना आ जाएगा, ये डायमीटर हमें दे रखा है ना, तो आर कितना होता है, डायमीटर डी बाई टू, तो ये जाएगा 21/2, ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका, 4πr2। अब क्या करोगे, 4π का मान रखोगे 22/7, आर की वैल्यू रखोगे 10.5, दो बार रखोगे 10.5, उसके बाद सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा वो मुझे कमेंट में बताएं। आंसर जो आएगा किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये आपका काम है। थर्ड वाला, थर्ड में हमें डायमीटर दे रखा है डी 3.5 सेंटीमीटर, तो यहां से आर कितना हो जाएगा, डी बाई टू, 3.5 / 2, तो आ जाएगा 1.75। ठीक है, 1.75 आ जाएगा इसका सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया का क्या बनेगा यहाँ पर, 4πr2, जो भी सरफेस एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो मुझे इसका भी जो है कमेंट करके बताएं, सॉल्व करें, जैसे यहाँ पर सबने मान रख दिया पाई का, आर का, इसी तरह से तुम खुद करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ही जो है अच्छा समझ में आएगा। तो इसको नोट करिए और इनको कंप्लीट करिए और मुझे कमेंट में जरूर